दोस्तों जब ट्रेन स्टेशन में इंटर करती है तो मेन लाइन से 3-4 लाइन डिवाइड हो जाते हैं और सिग्नल के अकॉर्डिंग ट्रेन जो है ट्रैक को चेंज कर लेती है या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन चली जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन जो है ट्रैक को कैसे चेंज करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ट्रेन के ट्रैक कैसे चेंज करती है इस बात को समझने से पहले हम ट्रैक के कुछ मेन फंक्शन के बारे में समझते हैं। दोस्तों ट्रेन ट्रैक को कैसे चेंज करती है इस फंक्शन को समझने के लिए इस इमेज को देखिए। यहाँ पर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे एक पॉइंट बोला जाता है और उसी तरह से एक यहाँ पर पॉइंट को दिखाया गया है। दो पॉइंट मिलकर एक क्रॉसओवर को बनाते हैं, मतलब ये पूरे पार्ट जो है ये क्रॉसओवर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक पॉइंट के पास क्या क्या चीजें होती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो नुकीला सा रेल है ये यहाँ पर आया हुआ है, एक नुकीला रेल है, ये दूसरा नुकीला रेल है। इस रेल को जो है टंग रेल बोला जाता है। ये टंग रेल जो है लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं। ये होने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये जो है गियर मोटर लगे हुए हैं, इसी गियर मोटर के थ्रू जो है ये लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में होते हैं जिससे कि ट्रैक जो है चेंज करती है ट्रेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड में रेल दिए हुए हैं इसे जो है स्टॉक रेल बोला जाता है, मतलब कि ये टंग रेल ये दो साइड यहाँ दोनों साइड में स्टॉक रेल दिए हुए हैं, एक ये स्टॉक रेल हो गया एक ये स्टॉक रेल हो गया। अब और यहाँ पर आप हम देखें अगर इस इमेज को जूम करके आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो रेल आई हुई है यहाँ से वी शेप में इसे वी रेल बोला जाता है और इसके साइड में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर और एक यहाँ पर इसे चेक रेल बोला जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो होती है ट्रेन को ट्रैक मतलब चेंज करने में इतनी सारी चीजें हेल्प करती है। ये चेक रेल हो गया, स्टॉक रेल हो गया, वी रेल हो गया, टंग रेल हो गया, इन सारे चीजों के थ्रू जो है ट्रेन ट्रैक को चेंज करती है। अब कैसे चेंज करती है इस फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले उसके व्हील को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ट्रेन के व्हील को दिखाया गया है, व्हील में इस किनारे वाले पोर्शन को फ्लिंज बोलते हैं। ये फ्लिंज ही जो है जो ट्रैक चेंज करने में मूवमेंट करने में जो हेल्प करती है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेन अभी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये फ्लिंज जो है इधर की ओर चिपके हुए हैं, यानी कि ये सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर जो है इधर ये सपोर्ट देंगे, इधर गैप बना हुआ है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है आप इस चीज़ को समझने के लिए इस इमेज को देखिए। दोस्तों जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं मान लीजिए कि ट्रेन जो है इस ट्रैक से होते हुए आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टंग रेल के बीच में जो है गैप है तो उसका जो फ्लिंज है उसके अंदर से होते हुए इस ट्रैक पर से होते हुए फ्लिंज उसके अंदर से होते हुए आगे की ओर बढ़ती जाएगी और इधर वाली जो व्हील है वो यहाँ पर इसका जो टंग रेल है वो इस स्टॉक रेल से ज्वाइंट है, मतलब कि चिपका हुआ है तो इसका जो फ्लिंज है इसके बाहर से होते हुए ऐसे निकलते हुए आगे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है किस ट्रैक से होकर जाएगी। ट्रेन जो है इस वाले ट्रैक को होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे सीधे निकलेगी। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ट्रेन जो है ट्रैक को कैसे चेंज कर रही है। अभी इस वाले ट्रैक से होकर आ रही थी तो वो इधर न जा करके इस वाले ट्रैक पर ना जा करके वो जो है सीधे वाले ट्रैक से होकर चली जाएगी। आप यहां से अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं अभी जो ये जो टंग रेल है वो इस वाले स्टॉक रेल से चिपकी हुई है, यहाँ पर इस तरफ से कनेक्ट है और इसके बीच जो है इस यहाँ पर गैप है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन इधर से होकर आ रही है तो इसका फ्लिंज जो है इस वाले ट्रैक से होकर इधर जाएगी और चूंकि इसके बीच में गैप होने के कारण इस वाले ट्रैक का जो फ्लिंज है वो इसके अंदर से होते हुए आगे बढ़ेगी और अभी ट्रेन जो है इस डायरेक्शन से होकर जाएगी। तब आप समझ सकते हैं कि उस वाले और इस वाले में क्या अंतर है, मतलब कि ये जो टंग रेल है वो जिस डायरेक्शन में होकर जा रही है, मतलब कि अभी अगर इधर चिपकती है इस वाले स्टॉक रेल से जाके चिपकेगी तो ट्रेन जो है किस डायरेक्शन में होकर मूव कर जा रही है और अगर इस डायरेक्शन में टंग रेल चिपक जाते हैं तो ट्रेन किस डायरेक्शन में होकर जा रही है। तो ये ट्रैक कैसे चेंज कर रही है ट्रेन यहाँ आप देख सकते हैं। इसका जो मेन रोल होता है वो इस जो है टंग रेल का ही होता है जो कि स्टॉक रेल से चिपकने से ट्रेन को मूवमेंट करता है कि किस ट्रैक पे होकर जाना है। अभी मान लीजिए ट्रेन इधर से होकर जा रही है तो वो इस वाले ट्रैक से होते हुए ऐसे जो है इधर निकल जाएगी और यहाँ पर जो है इस तरह से होते हुए ऐसे ट्रेन निकल जाएगी।
अब यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, मान लीजिए कि ट्रेन जो है इस ट्रैक से होते हुए आ रही है, ऐसे होकर आ रही है, और ये इधर से होकर आ रही है। जब ये यहाँ पर वी शेप के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेक रेल दिया हुआ है। इस चेक रेल देने का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रेन का व्हील जो है इधर से होकर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही, इस ट्रैक पर अगर जाना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैप है ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप मेंटेन हो रहा है, तो इस गैप में जो है व्हील उसके डीरेल ना हो या फंसे ना, इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर जो है एक चेक रेल लगाया जाता है। चूंकि ये जो फ्लिंज है वो इसके अंदर से होते हुए जाती है तो इसको इधर डिसबैलेंस ना करे, मतलब कि इधर डीरेल ना करने दे, जिसके चलते इसमें ना घुसे, तो इसके लिए यहाँ पर जो है चेक रेल लगाया जाता है। उसी तरह से एक यहाँ पर भी चेक रेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि ट्रेन अगर इधर से होते हुए इस ट्रैक पे जाना चाहे तो इसके बीच में ये जो यहाँ पर गैप आप देख रहे हैं, उस गैप को यहाँ से पुशअप देने के लिए ये जो यहाँ पर चेक रेल लगाया जाता है। तो आप दोनों चीजों को समझ सकते हैं कि ट्रेन जो है ट्रैक कैसे चेंज करती है और वी शेप या चेक रेल या फिर स्टॉक रेल या टंग रेल का काम क्या क्या होता है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, एक और चीज़ समझने वाली है, यहां पर जो गियर मोटर लगे हुए हैं, तो गियर मोटर मान लीजिए कि इसको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में पुशअप करते हैं, तो अभी मान लीजिए जैसे अभी यहां पर ये टंग रेल जो है इस स्टॉक रेल से चिपकी हुई है, तो अगर मान लीजिए कि इसके बीच में कोई पत्थर वत्थर आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर इसके बीच में कोई पत्थर हो जाए और ये इसको इधर पुशअप करे तो इसको चिपकने नहीं देगा, ये जो टंग रेल जो है स्टॉक रेल से नहीं चिपक पाएंगे। तो इसके बीच यहाँ पर मोटर में क्या लगे रहते हैं, लिमिट स्विच लगे रहते हैं। अगर यहां पर ये पूरी तरह से नहीं चिपकता है तो लिमिट स्विच जो है एक्ट हो जाएंगे और वहां स्टेशन मास्टर को सिग्नल मिल जाता है कि जो टंग रेल है वो अच्छे से चिपका हुआ नहीं है, तो सिग्नल क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब वो आगे सिग्नल नहीं क्लियर होगा। तो यहां पर एक पॉइंट मैन आता है और उसको पहले चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है। जब वो अच्छे से यहां पर चिपक जाते हैं टंग रेल और सिग्नल क्लियर जो है मिलता है तभी जो है ट्रेन को आने के लिए अलाउ किया जाता है। तो यहां पर ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशन ये रहते हैं, यहाँ पर हम अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर और भी कुछ डाउट हो या फिर ट्रेन ट्रैक को चेंज कैसे करती है इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।